क्योंकि वो अपने आप को शरीर मानते ही नहीं थे। ये सारा भय शोक मोह ये शरीर के कारण हमारा पीछा कर रहा है, आत्मा का मृत्यु नहीं है। हम वो आत्मा है जिनका जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये कुछ नहीं है, लेकिन हम अपने आप को देश सोच करके भयभीत होते हैं। आत्मज्ञान जैसे व्यक्ति को आ जाता है उनके बाद में स्थिति होता है। सामने गेंद खेल रही थी काली माँ, और ना तो थैंक यू बोले, कुछ नहीं, ऐसे ही देखते। अगर किसी के कारण काली प्रकट होती है तो उनका कॉलर ऊपर हो जाएगा, अरे काली माँ साक्षात। और अभी हर किसने भजन नहीं करना है, काली काली हे देवी प्रसन्न हो गया, भगवान का भजन छोड़ देगा, देवी का चालू कर देगा, अरे मुझे बचाया मुझे बचाया। वो तो तत्व ज्ञानी थे पूरे, और पूरे तत्वों में स्थित उनका माइंड था। आश्चर्यचकित जब महाराज परीक्षित को देखा सुखदेव गोस्वामी बात सुनते हुए, कोई भी आश्चर्यचकित हो जाएगा ना, कोई प्रतिकार नहीं। तो उनके लिए सुखदेव गोस्वामी पाद एक श्लोक बोलते हैं, न वा एतद् विष्णु दत्त महद अद्भुतम यद संभ्रमम अस्वसिद छेदन आपत्ति ते अपि। बोलते इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं महाराज, आप आश्चर्य क्यों मान रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी पाद कथा कहते हुए अपनी ओर से श्लोक बोलते हैं, आश्चर्य की बात नहीं, भगवान के जो भक्त होते हैं वो इसी प्रकार निर्लिप्त होते हैं, अपने देह के प्रति भी उनका थोड़ा भी आसक्त नहीं है। जन्म मरण सम है उनके लिए, सुख दुख जन्म मृत्यु सब नरक स्वर्ग उनके लिए अत्यंत तुल्यार्थ दर्शिना नारायण परायण। जो नारायण के परायण लोग होते हैं वो इस प्रकार तुल्य हो जाते हैं, सम बुद्धि उनका है, इनके लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि सिर्फ छेदो अपि आपत्ति ते अपि, उनके छिद हो रहा था लेकिन आपत्ति काल में भी विमुक्त देहादि आत्मभाव सुदृढ़ हृदय ग्रंथिना, क्योंकि उन्होंने हृदय की गांठ को काट लिया था पहले से आत्मज्ञान के कारण। उन देहात्म बुद्धि देह के साथ जो आत्मबुद्धि थी उनकी ग्रंथि को काट लिया था। सर्व सत्वम सुहृद आत्मानम निर्भयनम, और वो व्यक्ति प्रत्येक के प्रति हितैषी हो जाता है, किसी का कोई बुरा सोचता तक नहीं है। और ऐसे महान भक्तों की रक्षा भगवान अपने काल चक्र से देवी के रूप में या किसी भी रूप में भक्तों का रक्षा भगवान करते रहते हैं। ऐसे भगवान के ये महान भक्त परिरक्ष मानानम और तत्पाद मूलम अकुतश्चित भय उपसुता नाम भागवत परमहंसा नाम। ऐसे भागवत परमहंस के लिए आप आश्चर्य मत कीजिए, ये तो भगवान के महान भक्त है, कोई आश्चर्य का बात नहीं। और भगवान ने उनका रक्षा किया, नहीं भी किया है तभी भी कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रार्थना भी नहीं करते भगवान को, अरे विपत्ति आ गई है कृष्ण नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आलाद दाई ने, कुछ नहीं, एक भी प्रार्थना नहीं मुख से श्री भरत महाराज। इसी प्रकार ये नौवा अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है, मेरे ख्याल से आज थोड़ा जल्दी बंद कर देंगे, 5 मिनट अध्याय समाप्ति पर। तो किसी का कोई जिज्ञासा है, कल हम लोग जाएंगे, एक दूसरी दुर्घटना हो रही है लेकिन उस टाइम वो चालू करेंगे प्रवचन, उस टाइम वो कृपा करेंगे जीव के ऊपर। तो कल भगवान नरसिंह का आविर्भाव तिथि, तो कल एक रेगुलर कथा हम लोग नहीं लेंगे, कल सप्तम स्कंद में जाएंगे भागवतम में, जहाँ एक भक्त की रक्षा के लिए स्वयं भगवान प्रकटित हो गए और यहाँ काली को प्रकटित करके भक्त का रक्षा किया, और वहाँ स्वयं नरसिंह के रूप में प्रकटित होकर के प्रहलाद का रक्षा करेंगे। उनके पिता हिरण्यकश्यपु जब उनको मारने के लिए तुल गया, कैसे उनका प्रागट्य होता है कल हम लोग देखेंगे, और परसों फिर इसी कथा में वापस जाएंगे। इसलिए अध्याय ठीक है, इस अध्याय समाप्त होने पर बंद किया। हरे कृष्ण।